आश्रय में इस प्रकार नहीं जाने दूंगा आपको। नानी मेरा हाथ पकड़िए। आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। पिताश्री में आ रहा हूँ। हनुमान, तुम पुनः मेरे कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हो। महादेव, हम आपके तीर्थ की यात्रा के लिए निकले थे। यदि मेरे पुत्र और पति को कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। आपको हमारी सहायता करनी ही होगी। पिताश्री, पुत्र, हनुमान। कालदेव, मैंने तो पूर्व ही कहा था कि हनुमान के रहते आप केसरी का कोई अहित नहीं कर सकते। दंड तो दूंगा मैं हनुमान को, और उसके लिए इस बार हनुमान को कहीं और उलझाए रखना होगा। पिताश्री, अब ठीक तो है ना? रक्षित कर दिया। कितनी भाग्यवान हूं मैं कि तुम मेरे पुत्र हो। मां, पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता के कष्ट हरना। इसलिए जो कुछ भी हुआ वो सब आप दोनों के आशीर्वाद के प्रताप से ही हुआ है। हनुमान, संकट तो टल गया किंतु तापमान असहनीय हो रहा है। हम जितना शीघ्र यहाँ से निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा। रुकिए पिताश्री,
देखिए, वो चट्टान भी उस रेत में समा गई है। इस मार्ग से आगे बढ़ना अनर्थकारी हो सकता है। किंतु हनुमान, यहाँ खड़े रहने से भी कोई हल नहीं निकलने वाला। हमें आगे बढ़ना ही होगा। हनुमान, इस क्षेत्र को तुम हमें उड़ाकर पार करवा सकते हो ना? मित्रों, तीर्थ यात्रा पद यात्रा से ही करनी चाहिए, तभी अधिक फलदायी होती है। किंतु फिर हम आगे जाएंगे कैसे? ये तो ताप बढ़ता ही जा रहा है, प्यास भी तीव्रता से लग रही है। किंतु मुझे तो आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि अकस्मात इतना तापमान कैसे बढ़ गया। अग्निदेव का ये ताप तुम सबके लिए असहनीय हो जाएगा हनुमान। तापमान बढ़ेगा, प्यास बढ़ेगी, और जब सब प्यास से व्याकुल हो उठेंगे, हनुमान को जल के लिए जाना ही होगा। और जैसे हुआ हनुमान केसरी से दूर, मृत्यु होगी केसरी के समीप। बहुत प्यास लग रही है, कोई जल ला दो। जल, जल। असहाय होता जा रहा है। यदि शीघ्र जल न मिला तो न जाने क्या होगा। क्या करूं मैं? पिताश्री को छोड़कर भी नहीं जा सकता, किंतु जल के बिना सबकी दशा दारुण होती जा रही है। पिताश्री, हम यात्रा तो थल मार्ग से कर लेंगे, किंतु मैं जल लाने तोड़ कर जा सकता हूँ ना? हाँ पुत्र, संकट काल में तुम ऐसा कर सकते हो। किंतु मित्र, इस मरुथल में तो दूर दूर तक जल का कोई चिन्ह दिखाई ही नहीं दे रहा है। पुत्र हनुमान, आसपास देखो, यदि इस मरुथल में कोई पक्षी दिखाई दे तो जल वही होगा। किंतु हनुमान, शीघ्र लौट कर आना पुत्र, से ही हम सबका साहस बना हुआ है। मैं भी अब सबसे दूर नहीं जाना चाहता, किंतु विवशता है, फिर भी मैं शीघ्र आ जाऊंगा। वो देखो, वहां पे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अभी उस ओर जाता हूँ। हाँ पुत्र, शीघ्र ही जल लेकर आओ, तुम्हारी नानी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। जी पिताश्री, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। हनुमान, हम ही तुम्हारे साथ चलते हैं। हम तीनों मिलकर अधिक जल ले आएंगे। ठीक है, चलो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जल की खोज करें हनुमान, आज्ञा लेकर भरे उड़ान। सहनशीलता की ये घड़ी, काल रचित तृष्णाया बड़ी। तीरथ व्रत है परम तपस्या, प्यास भूख है धर्म परीक्षा।
रक्षा मंगल भवन अमंगल हारी हनुमत रक्षक जगत सुखारी। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान यहाँ पर सरोवर दिखाई दे रहा है। मित्र थोड़ा जल पी लेते हैं। ठहरो। मित्रलाल क्या हुआ इसको? किसने की ऐसी दशा? वानर बालक क्या आपने ही मेरे मित्र की ऐसी दशा की है? हाँ, मेरी चेतावनी के पश्चात भी तुम्हारे साथी ने जल का स्पर्श किया। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जो भी इस जल का स्पर्श करता है उसकी यही दशा होती है। बालक, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम भी जल लेने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। क्या सोच रहे हो? यदि प्रश्न हल करोगे तो तुम्हें तुम्हारा ये मित्र वापस मिल सकता है बालक, अन्यथा रिक्त हाथ ही लौट जाओ। समय अल्प है, नल को भी वापस पाना है, जल भी चाहिए, इनकी बात माननी ही पड़ेगी। किंतु ऋषिवर, यदि मैंने आपके प्रश्नों का उचित उत्तर दे दिया तो मेरे मित्र नल को नया जीवन दान मिल जाएगा और सारे पशु पक्षियों को भी। हाँ, हो सकता है। दो मेरे प्रश्नों का उत्तर। मैं प्रस्तुत हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, किंतु पहले आप ये बताइए आप हैं कौन? मुझे आपका स्वर परिचित सा लग रहा है। मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है बानर बालक, महत्वपूर्ण है तुम्हारे इस मित्र का जीवन, महत्वपूर्ण है ये जीवनदायी जल। बोलो क्या चाहते हो? ऋषिवर, मेरी नानी और सब जल के बिना बहुत कष्ट में होंगे, आपको जो पूछना है शीघ्र पूछिए। पुनः विचार कर लो बालक, मैं तुमसे तीन प्रश्न पूछूंगा, यदि एक का भी उत्तर त्रुटिपूर्ण रहा तो तुम भी इन सब की भांति पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। बताओ, स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। तीन प्रश्न हनुमान, तुम तीन प्रश्न के उत्तर दे दोगे, किंतु मृत्यु के लिए तीन क्षण भी पर्याप्त होते हैं। उधर तुम तीन प्रश्न के उत्तर दोगे, इधर मृत्यु की धुन बज उठेगी और तुम्हारे पिता केसरी के लिए अंत का आरंभ हो जाएगा और फिर वो समा जाएंगे काल के गाल में। माँ की दशा तो चिंताजनक होती जा रही, न जाने क्या होने वाला। धीरज रखो अंजना,
हनुमान जल लेकर आता ही होगा। चल की धुन इस मरुथल में कहां से आ रही है? क्या हुआ स्वामी, क्या देख रहे हैं? ये मुरली की धुन, न जाने इस मरुथल में मुरली बजाने वाला कौन आ गया। मुझे तो कोई धुन नहीं सुनाई दे रही है, कदाचित आपको भ्रम हुआ है स्वामी। हाँ, मुझे भी सुनाई नहीं दे रही। मुझे तो स्पष्ट सुनाई दे रही है, उस पर्वत की ओर से सुनाई दे रही है मुझे मुरली की धुन। अवश्य उसके पास जल होगा अंजना, तुम माँ का ध्यान रखना, मैं जल लेकर आता हूँ। किंतु स्वामी, मुझे माँ के पास ही रहना होगा। सैनिकों, महाराज के पीछे जाओ, उनकी सुरक्षा आवश्यक है। जी महारानी जी। जी महारानी जी। अब तक तो हमारे मित्र हनुमान को आ जाना चाहिए था, ना जाने कहाँ रह गया हनुमान। मेरा मन कुछ विचलित सा हो रहा है, प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। मेरा प्रथम प्रश्न वो क्या है जो कभी परिवर्तित नहीं होता? परिवर्तित नहीं होता, पर्वत हो सकते हैं। बाल्यावस्था से ही जैसे दिखाई देते थे वैसे ही हैं। हनुमान होगा पर्वत, इनमें वर्षों से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु मित्र नील, पर्वत भी समय समय पर परिवर्तित हो जाते हैं। जो अगोचर है अर्थात दिखाई नहीं देता किंतु सदा स्थित रहता है, वो है सत्य। सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता पुत्र। ऋषिवर, मेरा उत्तर है सत्य। सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। उचित उत्तर बालक। प्रश्न और पूछ ले ऋषिवर, फिर हम शीघ्र ही जल लेकर यहाँ से चले जाएंगे। माँ को बहुत आवश्यकता है जल की। यदि उस मुरली बजाने वाले के पास तनिक सा भी जल मिल गया तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। बालक, तुमने प्रथम प्रश्न का उत्तर तो अति उत्तम दिया है, अब मैं देखता हूँ मेरे द्वितीय प्रश्न का उत्तर तुम दे पाते हो या नहीं। मेरा द्वितीय प्रश्न है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो परिवर्तनशील है? हनुमान, वृक्ष हो सकता है, उस पर प्रतिदिन पत्ते पाद आते रहते हैं, नहीं तो धरती भी हो सकती है। जैसे वो धरती पहले हरी भरी थी अब मरुथल हो गई है। शीघ्र उत्तर दो हनुमान, वह सब व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
अब तो तुम यहाँ उलझ चुके हो हनुमान, जितना विलंब जितनी प्रतीक्षा उतना ही अच्छा। समय, ऋषिवर समय, समय कभी एक सा नहीं रहता, नित्य परिवर्तित होता ही रहता है। जो समय आज है वो कल नहीं होता। क्या हुआ ऋषिवर, शीघ्र बताइए, मैंने उचित उत्तर दिया कि नहीं? शीघ्र बताइए ना ऋषिवर, मुझे विलंब हो रहा है। जल के बिना वह नानी और सबकी कैसी दशा हो रही होगी? कुछ धुंधला सा प्रतीत हो रहा है। वो समय ही है जो परिवर्तनशील रहता है, और तुमने पूर्णतया उचित उत्तर दिया है। मैं ठीक ही कह रहा था, कोई है वहां, प्रतीत हो रहा है कुछ भैंसे हैं वहां पर, चरवाहा भी है, चरवाहे के पास जल अवश्य होगा। अब मैं तुमसे अंतिम प्रश्न पूछता हूँ, यदि इस प्रश्न का उत्तर तुमने उचित दिया तो तुम्हें ये जल भी प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा मित्र भी, और साथ ही ये पशु पक्षी भी जीवित हो जाएंगे। किंतु उत्तर देने में त्रुटि हुई तो तुम भी इन सबके भांति पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। ऋषिवर, मुझे मेरी चिंता नहीं है, वहाँ मेरा पूरा परिवार कष्ट में होगा, मैं उनके कष्ट दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप शीघ्र ही प्रश्न पूछिए। तो बताओ, सबसे घना अंधकार क्या होता है, जिसमें सब दिखते हुए भी ना दिखाई दें? सबसे घना अंधकार, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछ लिया ऋषिवर ने। अंधकार दिखते हुए भी ना दिखाई दे, अमावस्या की रात ही तो उत्तर नहीं? नहीं, मेरी तो बुद्धि ही नहीं चल रही है। अब कहीं तुम मूर्ति ना बन जाओ, बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। तुम उत्तर दोगे बालक? हनुमान, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अंधकार है अविद्या एवं अज्ञान। अज्ञानी व्यक्ति किसी भी वस्तु को देखकर भी नहीं जान सकता कि उस वस्तु का महत्व क्या है। ऋषिवर, अविद्या एवं अज्ञान, ये सबसे बड़ा अंधकार होता है। ऋषिवर, मैंने उचित उत्तर दिया ना? ये संपूर्ण क्षेत्र तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसा हनुमान ने अपने स्वप्न में देखा था। सामने वही संकरा मार्ग, एक और खाई, एक और पर्वत, और ये जंगली भैंसे। कहीं हनुमान का स्वप्न सत्य तो नहीं होने वाला है?
भगवान का स्वप्न सत्य तो नहीं होने वाला है। ऋषिवर, मुझे मेरे परिवार की चिंता हो रही है, शीघ्र बताइए ना, मेरा उत्तर उचित है ना? बालक, तुम्हारा उत्तर उचित है। हनुमान, मित्र, मैं पुनः अपनी अवस्था में आ गया। चित्रगुप्त जी, अब तुम धर्मानुसार इस जलाशय के जल प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हो। चित्रगुप्त जी, इसीलिए मुझे आपका स्वर परिचित सा लग रहा था, किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो यमलोक में प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? हनुमान, पाप पुण्य के अनुसार दंड या पुरस्कार प्रदान करने में, सहायता करने में मेरा एवं समस्त अन्य देवताओं का भी कर्तव्य होता है। इसलिए मैं जो भी कर रहा था मात्र कालदेव की आज्ञा का पालन ही कर रहा था। कालदेव की आज्ञा का पालन? हनुमान नहीं आ जाता तब तक मुझे स्वयं को बचाने का प्रयास करना ही होगा। तुम्हें प्रश्नों में उलझाए रखने का आदेश मुझे कालदेव ने ही दिया था, ताकि तुम अपने पिता से दूर रहो और कालदेव उन तक पहुंच सके। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मित्रों चलो। स्वामी की पुकार। हनुमान, ये तो ठीक वैसा ही दृश्य है जैसा मैंने स्वप्न में देखा था। पिताश्री। हनुमान, देखता हूं अब कैसे रक्षित करते हो अपने पिता को काल से। हनुमान, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पिताश्री को काल दे।
काल के दंड से कोई नहीं बच सकता। पिताश्री उठिए, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। उठिए पिताश्री, उठिए ना पिताश्री, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। पिताश्री उठिए ना, पिताश्री मेरी पुकार सुनिए। पिताश्री उठिए, पिताश्री, पिताश्री हनुमान। देखो ना मित्रों, तेरा स्वप्न सत्य हो गया हनुमान। नहीं नहीं, मेरा स्वप्न कभी सत्य नहीं होगा। मेरे पिताश्री अभी उठ जाएंगे। उठिए ना पिताश्री, आप उठ जाएंगे अवश्य। उठिए, मुझसे बात करिए। महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज को? महाराज, ये तो अनर्थ हो गया युवराज। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं, पिताश्री को कुछ नहीं हुआ है। वो अभी उठेंगे, मुझसे बात करेंगे। उठे पिताश्री, अपने नेत्र खोलिए। मेरे पिताश्री को मुझसे नहीं छीन सकते कालदेव। पिताश्री, आपको मेरी करुण पुकार सुननी ही होगी। पिताश्री उठिए ना। हनुमान मेरे पुत्र, उठिए ना पिताश्री, आप उठ जाएंगे अवश्य। हनुमान, एक बालक को उसके पिता से दूर मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए कालदेव। कालदेव, मेरा हनुमान रो रहा है। एक बालक को उसके पिता से दूर मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए कालदेव। हनुमान, पिताश्री उठिए। पिताश्री, हनुमान मेरे पुत्र, अपने हनुमान से बात कीजिए। पिताश्री, अपने हनुमान से बात कीजिए। केसरी, जब तक देह में प्राण होते हैं, संबंध तब तक ही होते हैं। आपके देह से आत्मा पृथक हो चुकी है। अब आपका उस संसार से या किसी भी प्राणी से कोई संबंध नहीं है। आत्मा हर मोहमाया से परे होती है। आपके लिए भी उचित यही होगा कि मोह का त्याग कर दे, अन्यथा आप हर क्षण दुखी ही रहेंगे। मेरे पुत्र के नेत्रों से बहते हुए अश्रु देखिए, उसके दुख से भरी हुई करुण पुकार सुनिए। पिताश्री, मेरी पुकार सुनिए। पिताश्री, ये दृश्य देखकर चट्टान का हृदय भी द्रवित हो उठेगा। और आप कहते हैं कि मैं मोह त्याग दूं। केसरी, अब आपके दैहिक एवं भौतिक संबंध समाप्त हो चुके हैं। अब आप ना तो किसी के पिता हैं, ना ही कोई आपका पुत्र। हनुमान, पिताश्री उठिए। हनुमान मेरे पुत्र, मेरे अपराध का दंड मेरे पिता को मिल रहा है। कालदेव, आप तो देवता हैं, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। पिताश्री, आप अपने पुत्र को छोड़ के नहीं जा सकते। गले लगा लीजिए पिताश्री मुझे। लौट आइए वापस पिताश्री। केसरी,
अब आप विलाप करते हुए, रोते बिलखते हुए चलिए काल लोग, चाहे शांति को धारण करके चलें, किंतु अब आपका पृथ्वी लोक से संबंध समाप्त हो चुका है। पुत्र हनुमान, कालदेव, क्या मेरा दंड इतना बड़ा था जो आपने मेरे पिताश्री के प्राण ही हर लिए? मैं मेरे पिताश्री के बिना नहीं रह पाऊंगा। पिताश्री उठिए, लौट आइए पिताश्री, 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 पिताश्री। क्या हुआ महारानी जी? मैं जानती हूँ, मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मुझे हनुमान की करुण पुकार सुनाई दे रही है। अवश्य कुछ अनर्थ हुआ है, मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही, मुझे जाना ही होगा। मार्जरीका, तुम माँ को संभालो। हाँ महारानी जी, आप जाइए, माँ की देखभाल मैं कर लूंगी। हनुमान, पिताश्री, नेत्र खोलिए पिताश्री, पिताश्री उठिए, लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। हनुमान छोटा सा बालक है, आपके बिना नहीं रह पाएगा। लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। कालदेव, मुझे छोड़ दे कालदेव। नहीं, मत मत ले जाइए मुझे, कालदेव छोड़ दीजिए, कालदेव। पिताश्री, कालदेव ने मुझे आपका भी अपराधी बना दिया है, मेरे कारण आपके प्राण छिन गए। महाराज, बस तो स्वप्न ने चेतावनी दे दी थी, आतंकवेशी ने भी सावधान रहने को कह दिया था, किंतु मैं असफल रहा। लौट आइए पिताश्री, लौट आइए, लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। नेत्र खोलिए अपने पिताश्री, नेत्र खोलिए। स्वामी, माँ, देखिए ना पिताश्री नेत्र नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना माँ, पिताश्री को कहिए नेत्र खोले। स्वामी, 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 स्वामी! स्वामी, माँ, देखिए ना पिताश्री नेत्र नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना माँ, पिताश्री को कहिए नेत्र खोले। स्वामी, 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 स्वामी! नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। स्वामी, अंजना, अंजना, मैं काल के वश में विवश हो गया हूँ। अंजना, बस बंद कीजिए अब ये अश्रुधारा, अश्रु बहाने दीजिए हनुमान को। उसे भी तो आभास होना चाहिए कि क्या होता है काल के नियमों का उल्लंघन करने का दंड। नियम है तो यम है।
जन्म होने पर प्राणी विलाप करता है और परिजन प्रसन्न होते हैं, मृत्यु होने पर परिजन विलाप करते हैं, कुछ समय सभी विलाप करेंगे, फिर पुनः सबका जीवन सामान्य हो जाएगा। यही संसार का नियम है केसरी। अब आपके परिवार से आपके सारे संबंध समाप्त हो चुके हैं। जन्मों के संबंध होते हैं कालदेव, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और इस समस्त संसार के लिए। मुझे बहुत कुछ करना है कालदेव, बहुत कुछ। मुझे कुछ जीवन दान और दे दीजिए कालदेव। जितना आपके पास समय था उसके अनुसार आप जितना कर सकते थे आप कर चुके हैं। अब अपने पुत्र को भी करने दीजिए कुछ। वो अभी छोटा बालक है कालदेव, उसे बहुत कुछ सीखना है। किंतु वो महाबली संकट मोचन है, कालदेव का भी सामना कर लेता है वो। कालदेव, यदि मेरे पुत्र से कोई दृष्टता हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा कीजिए, अभी उसकी शक्तियों को दिशा देना है मुझे। दिशाहीन एवं अनियंत्रित शक्तियाँ सदैव अनर्थ का कारण बनती हैं। सीख जाएगा वो। इस प्रकार जब उसे दंड मिलेगा तब उसकी शक्ति नियंत्रण में स्वयं ही आ जाएगी, और फिर उसकी माँ है उसे संस्कार देने के लिए। कैसे करेगी वो अकेली इस संसार का सामना? ये बिछोह नहीं सह पाएगी वो। यदि उसे कुछ हो गया तो हनुमान भी नहीं रह पाएगा कालदेव। ये क्या हो रहा है देवेश्वर? अनर्थ हो गया जगत पालक, पद के मद में चूर होकर कालदेव ने अन्याय किया है। क्या हुआ? मैं रो क्यों रही हूं? स्वामी अभी उठेंगे। कुछ नहीं हुआ मेरे स्वामी को। हनुमान मेरे लाल, मात्र पुत्र, कुछ नहीं होगा। तुम सब विलाप मत करो। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे पुत्र? पिताश्री तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम उठाओ अपने पिताश्री को। मेरी मृत्यु ना हनुमान सहन कर पाएगा ना अंजना। मेरे परिवार पर दया कीजिए कालदेव, दया कीजिए कालदेव। छोटा सा परिवार है मेरा कालदेव, मेरे बिना टूट कर रह जाएगा, बिखर जाएगा मेरा परिवार कालदेव, बिखर जाएगा। चित्त सी हो गई है मेरी अंजना, मेरे बिना नहीं जी पाएगी वो। उन्हें मात्र मैं ही संभाल सकता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता केसरी, अब आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए। अब अगले 11 दिनों तक, जब तक विधि पूर्वक आपका श्राद्ध ना हो जाए, आपको प्रेत लोक में निवास करना होगा। नहीं कालदेव, अंजना,
हनुमान, तुम्हारे पिताश्री को उठना ही होगा। कहो इनसे पुत्र, हमें तीर्थ यात्रा पूर्ण करनी है, तभी तो हमारे संकट मिट पाएंगे। पिताश्री, मैं क्या करूं? अब आप ही समझाइए माँ को। अंजना, हनुमान। आपके पांव में इतने सारे छाले पड़ गए। जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो उसे कुछ नहीं हो सकता पुत्र हनुमान। पिताश्री, पिताश्री, नेत्र खोलिए, देखिए माँ की क्या दशा हो रही है। पिताहीन व्याकुल हनुमान, व्यथित बचा नहीं पाए प्राण, शोकित विल पे मा तू अंजना, कर नहीं पाई स्वामी रक्षना। परम दुखी सब सोचे मन में, राजा मरण शोक शोक अति शोक प्रसारा, बाल मारुति पाए न पारा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नेत्र खोलिए ना पिताश्री। आप तो हनुमान की पुकार भी नहीं सुन रहे। केसरी जी, देखिए नहीं रहे क्या हो गया है। केसरी जी, महाराज, केसरी जी, केसरी जी, महाराज, माँ देखिए ना, ये तो हनुमान की भी नहीं सुन रहे। आप इनसे कहिए ना कि हनुमान सबके लिए जल ले आया है, अब सबकी प्यास बुझ जाएगी। अंजना, ये सब मेरे कारण हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अभी उठेंगे स्वामी, तीर्थ यात्रा पूर्ण कर दी, साधुरी छोड़कर ये नहीं जा सकते। हनुमान, ये तुलसी पत्र अपने पिता के मुख में रख दो और ये जल भी प्रदान करो पुत्र। इस तुलसी पत्र से इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और मृत आत्मा को भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति का अधिकार मिल जाएगा। नहीं, आत्मा मत कहिए, मेरे स्वामी अभी उठ जाएंगे, उठ जाएंगे स्वामी। मैं ही दोषी हूं, ना मुझे प्यास लगी, ना ही हनुमान केसरी जी को छोड़कर दूर जाता। जानता था ऐसा होगा मां, संभालिए स्वयं को।
बड़ी अभागिन हूँ मैं, मेरे ही कारण मेरी पुत्री का। हमें तो ज्ञात ही नहीं था ये महाराज केसरी का परिवार है। हाँ, महाराज केसरी के परिवार को दुख में देखकर हम इनकी सहायता के लिए ही तो यहाँ आए थे। दुखों का जैसे पर्वत ही टूट गया है महाराज केसरी के परिवार पर। ये भी हमारी भांति मृत्युंजय महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे, बड़ी अनहोनी हो गई इनके साथ। वैसे महाराज केसरी का हम ऋषियों पर बड़ा उपकार है, इन्होंने शंभ सदन राक्षस को मार करके उसके त्रास से हम ऋषियों को मुक्त किया था। हाँ, ऐसे दुख के क्षण में यहाँ रहकर हमें महाराज केसरी के परिवार की सहायता करनी चाहिए। चलिए अंजना। हनुमान, जैसे अबोध बालक से कैसे कोई इतना बड़ा अपराध हो सकता है जो उसके परिवार को इतना भीषण दंड दिया गया। सुमेरु के भूतपूर्व भूपति केसरी, मैं प्रेतराज आपका स्वागत करता हूं इस प्रेतलोक में। केसरी जी, अब ये मोहमाया छोड़ दीजिए, उस संसार से संबंध तोड़ दीजिए, अन्यथा आपको भयंकर कष्ट भुगतना होगा। यदि आप इस लोक में दुखी होंगे तो आपका परिवार भी उस लोक में उतना ही दुखी होगा। केसरी, मिथ्या है वो संसार, अब तो मात्र मृत देह है वहां, उसकी भी अंतिम यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। गुरुजी, अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्था हो चुकी है, समस्त सामग्री भी आ चुकी है, आसपास के राज्यों से भी लोग आ रहे हैं महाराज केसरी को अंतिम विदाई देने के लिए। हाँ, मैं महाराज केसरी के परिवार वालों को सूचित करता हूँ कि वो अंतिम संस्कार की विधि को संपन्न करें। जी गुरुजी। सारा दिन बीत गया स्वामी, अब तो उठ जाइए, अन्यथा हम कार्तिक के अंतिम सोमवार तक मार्कंडे तीर्थ नहीं पहुँच पाएंगे। ध्यान रखना पुत्र, कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम्हें वहां पहुंचना होगा। आपकी दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, परंतु महाराज केसरी के मृत देह को अब अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता। हमने सारी व्यवस्था कर ली है, इनका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। नहीं ऋषिवर, नहीं। मैं पिताश्री को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहता,
और ना ही ये सब होता। कैसा संकट मोचन हूँ मैं, मेरे ये पुत्र का जीवन व्यर्थ है, जो अपने ही पिताश्री को संकट से नहीं बचा पाया। ऐसा मत कहो पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं पुत्र। ये मुरली की धुन, न जाने इस मरुथल में मुरली बजाने वाला कौन आ गया। उस पर्वत की ओर सुनाई दे रही है मुझे मुरली की धुन। किसी ने मुरली बजाई, वो कोई रहस्यमय मुरली की धुन, उसी को सुनकर तुम्हारे पिताश्री दौड़े दौड़े चले गए। मुरली की धुन रहस्यमय सी। मेरे स्वामी अभी लौट कर आएंगे, जिसने भी उन्हें हमसे दूर किया है वो अधिक समय तक उन्हें अपने पास नहीं रोक पाएगा। हमारा प्रेम उन्हें ये तो पूर्णतया अन्याय किया है कालदेव ने। हनुमान या केसरी जी को ही नहीं, अंजना के लिए भी दंड हो गया है ये तो। अपने नियम में कालदेव कठोर हैं, किंतु वे आपके विधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपकी दी हुई सांसें कैसे छीन सकते हैं वे केसरी। महारानी जी, जो सत्य है उसे हम सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब अधिक देर तक हम इनके मृत शरीर को नहीं रख सकते। सारा दिन निकल चुका है, अब यदि इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो इनकी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। हनुमान पुत्र, हमने अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था कर ली है, अब आपको अंत विधि पूरी करनी है। केसरी, अश्रु बहाने से आपका दुख बढ़ेगा, नेत्र बंद करके शांति को धारण कीजिए। वैसे भी कुछ क्षणों में आपका पुत्र आपके मृत देह का अंतिम संस्कार कर देगा, फिर आपका पृथ्वी लोक से संपर्क समाप्त हो जाएगा।